नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। फ्रेंड्स, हम लेडीज़ का दिन का आधे से ज़्यादा समय जो है वो किचन के कामों में, किचन में हम बिताते हैं। तो किचन को भी हमें घर के बाकी हिस्सों की तरह जितना हो सके साफ़ सुथरा और सजा कर रखना चाहिए, ताकि हमें यहाँ काम करने में जो है खुशी महसूस हो और हमें यहाँ पर बोरिंग सा ना लगे। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ किचन को सजाने के लिए तीन तरह के आसान DIY। ये DIY बनाने के लिए जो भी सामान मैंने यूज़ किया है वो हम सबके घरों में आसानी से अवेलेबल होता है। तो आप भी ये सारे DIY बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी ज़्यादा सामान परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सबसे पहले DIY मैं बना रही हूँ एक बची हुई, ये एक सिरेमिक टाइल है, वॉल टाइल। ये देखिए, इस तरह की टाइलें हमारे सबके घरों में पड़ी हुई होती है जो बच जाती है कंस्ट्रक्शन के काम के वक्त। तो इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ एक किचन का कोट लिखकर किचन साइन बोर्ड बनाने वाली हूँ। तो इस तरह का साइन बोर्ड जो है, आपके पास कोई वुडन पीस है या फिर पुराना चॉपिंग बोर्ड है तो उस पर भी आप बना सकते हैं। और मैंने पहले भी इस तरह का एक बोर्ड बनाया हुआ है पुराने चॉपिंग बोर्ड से, और कुछ सामान मैं घर में अभी ठीक ठाक कर रही थी तो वहाँ पर मुझे ये टाइल मिल गई। तो मैंने सोचा चलो इसका ही एक DIY बनाते हैं किचन को सजाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इस पर मैंने पेंसिल से मुझे जो कोट लिखना था उसका मैंने आउटलाइन बना लिया है, और अभी मैंने ब्लैक कलर के परमानेंट मार्कर से मैं इसमें फिल कर रही हूँ कलर वगैरह। वो परमानेंट मार्कर्स का यूज़ करके मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहे तो एक्रिलिक कलर से भी बना सकते हैं, पर जब भी हमें कुछ लिखना होता है जैसे कोट वगैरह, तो मार्कर से लिखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और मेरे पास ये तीन कलर के मार्कर्स है, रेड, ब्लैक और ब्लू। तो परमानेंट मार्कर्स में भी आपको अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं स्टेशनरी की शॉप पर। और सबसे पहले जो है मैंने इस टाइल को अच्छे से सोप से वॉश कर लिया था, वॉश करके ड्राई कर लिया था, और फिर मैं अभी इस पर काम कर रही हूँ। तो देखिए, मेरा ये कोट लिख करके हो गया है। मैंने इस पे लिखा है ब्लेस दिस किचन। अब मैं किचन में रखने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने किचन से रिलेटेड इसमें कोट लिखा है। आप जिस किसी भी रूम में सजाना चाहे उस हिसाब से आप इस पर कुछ कोट लिख सकते हैं, या फिर पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए, किचन से रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स मैंने इस पर बना दी है। और अभी इसे और सजाने के लिए मैंने जो है फेविक्रिल के 3D आउटलाइनर्स है, ये लिक्विड एम्ब्रॉयडरी के कलर्स आते हैं फेविक्रिल के, उसमें से ये ग्लिटर आउटलाइनर है, 3D आउटलाइनर्स। आप स्टेशनरी की या फिर क्राफ्ट की शॉप पे देखेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। तो उसके हेल्प से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसके दोनों कॉर्नर्स पे। आप चाहे तो एक्रिलिक कलर से भी कुछ पेंट वगैरह या डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। और ये अभी जो है गीले है, ये जो 3D आउटलाइनर है, इसके लिए आपको इस तरह से थोड़े से अलग से दिख रहे होंगे। जब ये सूखते हैं तभी इनका एक्चुअल कलर जो है वो खिल के आता है। ये टाइल जो है थोड़ी सी ग्लॉसी टाइप की टाइल है, तो इसमें जो है लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए आपको बीच बीच में ठीक से नहीं दिख रहा होगा। पर ये कंप्लीट होने के बाद आपको मैं इसका लुक दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से लग रही है। और ये रेड कलर का परमानेंट मार्कर पेन मुझे पहले मिल नहीं रहा था पहले दिन, और जब ये ड्राई हो गई तो दूसरे दिन मैं थोड़ा सा रेड कलर से जो है ये जो वर्ड्स जो है इन पे थोड़ा सा शेडो टाइप का बना रही हूँ। और ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं जो 3D आउटलाइनर हमने यूज़ किया था वो इस तरह से लगते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इनसे, जो जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो स्पार्कलिंग सा लुक आ जाता है हमारे DIY में। तो अब ये बिल्कुल सिंपल और इजी DIY हमारा बनके रेडी हो गया है।
और इसे मैंने किचन में कैसे सजाया है मैं आपको दिखाऊंगी। और नेक्स्ट DIY जो है मेरा ये है इस वुडन स्पून के साथ। तो ऐसे वाले स्पून हम सबके घरों में अक्सर होते हैं ये, तो इन पुराने वुडन स्पैचुला से भी हम रसोई को अच्छे से सजा सकते हैं DIY करके। तो इसे देखिए, पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर वॉल पेंट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास ये वॉल पेंट था और इसकी ये जो शेड है मेरे किचन के इंटीरियर से मैच कर रही है, तो इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है। और ब्रश से जो है स्ट्रोक्स आ रहे थे, तो इस तरह से देखिए, कोई स्पंज का टुकड़ा ले लीजिए या फिर आपके पास स्पंज ब्रश है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से डैब डैब करके मैंने इसे पहले बेस कोट लगा लिया है पिंक कलर का, और सूखने के बाद पूरा एक दिन मैंने उसे सूखने दिया। और सूखने के बाद देखिए, वाइट एक्रिलिक कलर से मैं इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। बिल्कुल जैसे मैंने जो है सिंपल सा पैटर्न चूज़ किया है, जो मेहंदी का डिज़ाइन हम बनाते हैं, वैसा ही मैं इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। अब वाइट एक्रिलिक कलर को जो है मैंने फैब्रिक ग्लू की बॉटल में भर के ले लिया है। ये मेरा फैब्रिक ग्लू ख़त्म हो गया था, तो इस बॉटल में भर के इस तरह से डिज़ाइन करना ईजी हो जाता है। तो ये आइडिया भी आप भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की जो फैब्रिक ग्लू की बॉटल होती है, या फिर जो अभी अभी हमने ग्लिटर यूज़ किए उसकी बॉटल होती है, उसे खाली होने के बाद उसमें इस तरह से कलर फिल कर लीजिए, तो आपको DIY बनाने के लिए ईजी हो जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल ईजी सा, सिंपल सा मैंने इस पर पैटर्न बनाया है। आप अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, वार्ली आर्ट बना सकते हैं इस तरह के स्पून्स पर। और बस बिल्कुल आसानी से ये DIY भी हमारा बनके रेडी हो गया है। इसे सूखने देंगे अच्छे से। और जो नेक्स्ट DIY है वो मैं बना रही हूँ इस खलबत्ते पे। जी हाँ, इसे हम मराठी में खलबत्ता बोलते हैं और हिंदी में शायद खरल और बट्टा बोलते हैं इसे। तो ये भी हम सबके घरों में होते हैं। किसी के पास लकड़ी का होता है, किसी के पास इस तरह से जैसा मेरा है मार्बल का या फिर ग्रेनाइट का वगैरह होता है। तो इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं डेकोरेट करने के बाद। तो अब देखिए, ये जो है मेरा ये वाइट मार्बल का है, तो मार्बल की खुद का ही टेक्सचर जो है मार्बल का, वो बहुत खूबसूरत सा होता है और स्पार्कलिंग सा लुक है बिल्कुल बिल्कुल इसका। तो मुझे जो है इसे ढकना नहीं था, तो मैंने इस पर कोई भी बेस कोट वगैरह नहीं किया है। मैं डायरेक्टली इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा बाहर की साइड से इसे पेंट कर लीजिए आपके फेवरेट कलर में, और फिर वो बेस कोट सूखने के बाद उस पर किसी ऑपोजिट कलर से या आपके मनचाहे कलर से डिज़ाइन बनाइए। तो मैं डायरेक्टली इस पर ही बना रही हूँ, और मैंने वाइट पे रेड कलर अच्छा लगेगा तो इसके लिए लिया है रेड कलर का एक्रिलिक कलर। और बिल्कुल सबसे छोटा साइज़ का जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से मैं सिंपल सा जो बॉर्डर का डिज़ाइन होता है वो बना रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये वाला DIY बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको इनमें से कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और आप देख सकते हैं, इसे इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ईयरबड का यानी Q-टिप का भी इस्तेमाल किया है, और बाकी मैं ब्रश से भी बना रही हूँ ये डिज़ाइन। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी पसंद से। और इस पर जो है पेंटिंग हमें बाहर की साइड से ही करनी है, ताकि फूड के साथ जो है कलर का बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट ना हो जब भी हम इसमें कुछ बनाएं तब। तो देखिए, इसका ये नीचे वाला पार्ट मेरा बनके रेडी हो गया है, और अभी इसे सूखने के लिए मैं रख दूंगी, और तब तक जो इसका जो बट्टा है उस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब जो डिज़ाइन हमने नीचे वाले पार्ट पर बनाया है वही सेम डिज़ाइन मैं इस पर बना रही हूँ। Thank you.
और इस पर भी जो है सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे ही हमें पेंट करना है, नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा फूड के कांटेक्ट में आता है तो उस पर हम पेंट नहीं लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये ऊपर वाला भी पोर्शन बनके रेडी हो गया है और इस तरह से पूरा ये हमारा खलबत्ता जो है डेकोरेट करके रेडी हो गया। और अब ये जो टाइल हमने डेकोरेट किया था इसे इस तरह से कहीं भी अपने किचन के कॉर्नर में आप प्लेस कर दीजिए। इसे हैंग करना हो सके तो अवॉइड कीजिएगा क्योंकि अगर गिर जाएगा तो सिरेमिक टाइल है तो टूट सकता है। फिलहाल मैंने इस तरह से इसे कॉर्नर में रखा हुआ है क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो कहीं इसे गिरा ना दे, तो ये कॉर्नर में रखने से ये सेफ रहेगा। और जो ये खरल है इसे मैं जहाँ पर हमेशा रखती हूँ वहीं पर मैंने रखा है, बिल्कुल मेरे गैस स्टोव के बाजू में, क्योंकि बार बार मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ दिन भर, तो बहुत क्यूट सा लग रहा है यहाँ पे रखने के बाद। और जो वुडन स्पून हमने डेकोरेट किया था उसकी बैक साइड पर देखिए इस तरह से डबल साइडेड टेप हम लगा देंगे, तो इसके दोनों एंड्स पे मैं जो है वो डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। आप चाहे तो हैंग कर सकते हैं पर लाइट वेट होता है तो हैंग करने की ज़रूरत नहीं है नेल्स वगैरह लगाकर। और अब देखिए जो टेप है उसका इस तरह से बैक साइड का पेपर निकाल लेंगे हम, और इसे मैं लगा रही हूँ जो मेरे किचन के डोर के पास वाली वॉल है वहाँ पर। आपके पास दो तीन है तो इस तरह से आप स्टेप्स में उन्हें लगा सकते हैं, मेरा ये एक ही है तो मैं इस तरह से इसे लगा रही हूँ डायगोनल एंगल में। और अब देखिए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर लगने के बाद। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये मैंने एक पुराने चॉपिंग बोर्ड से बनाया था किचन साइन बोर्ड, तो पहले मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आपने इसे देखा भी होगा, तो ये भी मेरा एक DIY है। तो मेरे आज के ये DIY आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।